आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सभी सुरक्षित होंगे। खुदा आपको अपने अनुग्रह में बनाए रखे और अपनी सुरक्षा हमेशा आपको प्रदान करे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 13वां रविवार है और आज के दिन हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें
और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमेन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच हैं, आमेन। आइए हम सब मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे कृपालु पिता, आपने हमें सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, और आपने अपने पुत्र यीशु को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर कृपा कीजिए और ये रोटी हमें सदा देते रहिए, उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ ही परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमेन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 105, 37 से लेके 43 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें, उसने उन्हें स्वर्ग से अनाज दिया और मनुष्य ने स्वर्गदूत का भोजन खाया। तब वो अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया, वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन, उसका 16 बाब 2-7 और 13-15 आयत तक। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी, और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल से में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूँगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे
कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। 13-15 आयत तक। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की सारी भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इसराइली, जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर के कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज का दूसरा पाठ लिया गया है इब्रानियों के नाम पत्री, उसके तीसरे अध्याय की पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। इसमें लिखा है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गौरव पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 24 से लेकर 35 आयत तक। सो जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनम को पहुंचे, और झील के उस पार से मिलकर कहा, हे रब्बी, तू कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमसे अचंभित काम देखें, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उसने उनसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो, और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे।
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्री, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आया
सागर में ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता मसीह में। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में सलाम बोलता हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में मनन चिंतन करने जाएं, आए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी सुरक्षा के लिए जो आपने हमें प्रदान करी है। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम जो भी कुछ वचन से हमने पढ़ा है और जो भी कुछ हम वचन से सीखते हैं प्रभु जी, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारे कानों को खोल, हमारे दिमागों को खोल, हमारे हृदय को खोल प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, और जिसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा तेरे नाम को बहुतायत की महिमा मिलने पाए। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आज के दिन में हमने पढ़ा है निर्गमन 16:2-7, 13-15, इब्रानियों 3:1-6, यूहन्ना 6:24-35, जिसमें आज के दिन का विषय है प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। यदि देखा जाए तो रोटी के लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों को रोटी के द्वारा ही ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सकें। उसी प्रकार जो है कि खुदावन यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, वो हमें जीवन देता है, वो ऐसा जीवन देता है, वो अनंत जीवन है जो कभी भी हमें कमज़ोर नहीं करता। वो ऐसा जीवन है जिसमें हमें शांति मिलती है, जिसमें हमें ताकत मिलता है, जिसमें हमें शैतान से लड़ने की हमें ताकत मिलती है। जैसा कि हम आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें प्रभु यीशु ने सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, वरन परमेश्वर के उस वचन से जो देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो हमें जीवन देने वाली सच्ची रोटी है, जो संसार के तमाम लोगों को जीवन देने आया था। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। पूरी बाइबल में रोटी परमेश्वर के जीवन निर्वाह के प्रावधान का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। जब प्रभु यीशु ने भूखी भीड़ से कहा कि वह जीवन की रोटी है, तो वह यहाँ पर अपने अनुयायियों को सिखा रहा था कि इस वर्तमान दुनिया में और आने वाले अनंत जीवन दोनों में केवल वही उनके आध्यात्मिक जीवन का सच्चा स्रोत है। और जीवन की जिस रोटी का प्रभु यीशु प्रतिनिधित्व करते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती और ना ही कभी खराब होती है और ना ही कभी समाप्त होती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह फिर कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 में देखते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बड़ी भीड़ को, जिसमें लोगों की संख्या 5,000 से भी अधिक थी, उनको 5 रोटी और 2 मछली से
उन्हें खिलाया। और लोग प्रभु यीशु के इस आश्चर्य कर्म को देखकर चकित थे और वे प्रभु यीशु के विषय ये कहने लगे कि निश्चय ही ये भविष्यद्वक्ता है जो जगत में आने वाला था। परंतु जब प्रभु यीशु ने देखा कि लोग उसे अपना राजा बनाना चाहते हैं तो वह चुपचाप उनके बीच से निकलकर पहाड़ पर अकेला चला गया। और दूसरे दिन जब लोगों ने प्रभु यीशु को और उसके चेलों को अपने बीच में नहीं पाया तो वह प्रभु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 25 से 35 पद में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें भीड़ प्रभु यीशु से प्रश्न करती है और प्रभु यीशु उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो हम इस प्रश्नोत्तर के रूप में हम इस पाठ को हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब वे लोग झील के पार प्रभु यीशु से कफरनहूम में मिले तो उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि हे रब्बी, तू यहाँ पर कब आया? तो प्रभु यीशु ने उन्हें ये उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यकर्म देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो, क्योंकि प्रभु यीशु उन लोगों के खोज के पीछे की उनकी मंशा को जानते थे, क्योंकि उनका स्वार्थ केवल पेट भरना ही था, क्योंकि लोग अपने पेट के लिए चिंतित थे जबकि प्रभु यीशु उनके जीवन के लिए चिंतित थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो हम लोग अपनी स्वार्थ के लिए हम लोग चिंतित होते हैं, हम लोग अपने कि हमें किसी चीज़ को हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग चिंतित होते हैं, हम लोग कई चीज़ों के बारे में हम लोग अपने जीवन में चिंतित होते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन के लिए चिंता करता है। क्या आज के समाज के अंदर या हमारे अंदर कुछ ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है जहां हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, स्वार्थी लोगों के इधर अपनी संतुष्टि के लिए बुराई की रोटी खाते हैं? क्योंकि यहां पर समस्या ये नहीं है कि हम भूखे हैं, परंतु यहां पर समस्या ये है कि हम किस तरीके की रोटी खाते हैं। हम विचार करें कि क्या हम विश्वासघात, धोखा, व्यभिचार, हत्या, बदला लेना, झूठ बोलना या चोरी करना या लोगों को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा देखना, लोगों को दुख देकर अपना फ़ायदा देखना, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुराइयों के बदले में हम इस प्रकार की रोटी तो हम लोग नहीं खा रहे हैं। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। इसलिए वचन में भी कहा गया है कि जो संसारिक रोटी हम खाते हैं वह हमें वास्तविक जीवन नहीं देती या हमें नहीं दे सकती है, क्योंकि वह नाशवान रोटी है जो केवल नाशवान जीवन का पोषण करती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जीवन जो है कि क्षणभंगुर है, हमें नहीं पता कि ये कितने समय तक इस दुनिया में है, क्योंकि एक दिन हमें अपने इस शरीर को छोड़कर, यहाँ से अपने जीवन को छोड़कर हमें खुदा के पास जाना पड़ेगा और हमें अपने जीवन का हिसाब वहाँ पर देना होगा, क्योंकि वे लोग भी प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म के महत्व को समझ ना सके, वे केवल मुफ्त का भोजन पाने के लिए उसके पीछे आते थे। इसलिए प्रभु यीशु 6 अध्याय यूहन्ना 6 उसके 27 पद में कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है परिश्रम करो, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर उसी पर अपनी छाप लगाता है, या पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र खुदावन यीशु मसीह पर मोहर लगाई है, जो ये प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर की ओर से आया है।
यहाँ पर नाशवान भोजन ना केवल साधारण भोजन को प्रस्तुत करता है, वरन वह सभी तरह की सांसारिक वस्तुओं जैसे कि लालच, धन, संपत्ति, सम्मान, सुख, भोग विलास आदि को प्रस्तुत करता है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा भी है, मत्ती 6 उसका 19 से 21 में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि इस अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेन लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेन लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर में लगाने की ज़रूरत है, ना कि इस दुनियावी चकाचौंध में। इसके बजाय मनुष्य को उस आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए, जिसके विषय में खुदावन यीशु मसीह हमें बताते हैं, जो केवल प्रभु यीशु ही हमें दे सकते हैं, जो सदा तक रहता है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। और आध्यात्मिक भोजन के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर हमें प्रार्थना में होना चाहिए, हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, उसे रोज पढ़ना चाहिए और मसीह की आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। और ये परिश्रम हम सभी भाई बहनों को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन जो है कि हमारे जीवन को आईना दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। क्या हम इन चीज़ों को करते हैं? क्या हमारी लाइफ में प्रार्थना में हमारा जीवन है? हमारे जीवन में हम लोग खुदा के वचन को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो खुदा वचन के द्वारा हमसे बात करता है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग खुदा से जो है कि हम लोग प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं, और उनकी वो आज्ञा हैं जिनका हमें पालन करना है कि एक तो अपने परमेश्वर से सच्ची अकल बुद्धि से प्रेम कर और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हम इन चीज़ों को करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोग विचार करें, क्योंकि प्रभु यीशु को लोगों की आत्माओं को बचाने की चिंता उस समय थी और आज भी प्रभु यीशु हमारी चिंता करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने भोजन जैसी खराब होने वाली चीज़ों की चिंता करने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा को उस अनंत जीवन की खोज में लगाने के लिए कहते हैं, जो केवल प्रभु यीशु ही हमें दे सकते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम यूहन्ना 4 चौथे अध्याय को याद करें तो उसमें सुकार नामक सामरिया के एक नगर में सामरी स्त्री को भी प्रभु यीशु ने यह कहा था कि जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वे फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु ने पानी के संदर्भ में सच्चाई को प्रकट किया था, क्योंकि पानी और भोजन या रोटी जीवन की आवश्यक तत्व है, जिसके लिए हर मनुष्य प्रतिदिन मेहनत करता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और प्रभु यीशु भी हमें जीवन के अनिवार्य तत्वों के द्वारा से हमें सच्चाई के विषय समझाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा जीवन की ढाल है और वही जीवन की सच्ची रोटी है जो हमारे अनंत जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये पोषण अनश्वर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जबकि सांसारिक रोटी और पानी वह हमारा जीवन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु आज हमें भी आत्मिक भोजन देना चाहते हैं, इससे पहले कि हम शारीरिक भोजन पाने के लिए अपना समय नष्ट करें। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करें, कार्य करें, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिस पर परमेश्वर ने अपनी मोहर लगाई है। क्या हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हम इस ओर
विचार करें। आगे हम देखते हैं कि यहूदी लोग प्रभु यीशु की बातें सुनकर थोड़ा विचलित हो गए थे कि किस तरह उन्हें शारीरिक भोजन के लिए कार्य करना होता है, तो अब उन्हें आत्मिक भोजन के लिए भी कुछ कार्य करना होगा। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु से 28वें पद में पूछा कि हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें ताकि हम परमेश्वर से आत्मिक भोजन पा सकें, क्योंकि वह लोग ऐसा सोचते थे कि यह और वह यह समझते थे कि उन्हें आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए कोई भला कार्य करना होगा। हम 29वें पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है। अर्थात परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें जिसे परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए भेजा तथा उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु यीशु में विश्वास करने से ही हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमें आत्मिक रोटी देता है जो कभी खराब नहीं होती, और हमें भरपूरी का जीवन देता है जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का भोज अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं है। परंतु आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस भोजन को खाना चाहते हैं परंतु अपने स्वार्थ के चलते उसे लेना या ग्रहण करना नहीं चाहते। परंतु आज प्रभु यीशु हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आज हम उस आत्मिक भोजन को लेने के लिए या उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बार एक धनी व्यक्ति ने भी खुदावन यीशु मसीह के पास आकर कहा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यवस्था का पालन कर। उसने कहा बचपन से करता आ रहा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुझमें एक कमी है कि अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति ने उस संसारिक रूपी धन को उसने नहीं छोड़ा, उसने उस अनंत जीवन रूपी धन को उसने छोड़ दिया। उसी प्रकार के जो है कि हमारे जीवन भी है, हम लोगों का स्वार्थ भी जो है कि इस दुनिया विरूपी संसारिक चकाचौंध में डूबा हुआ है। एक व्यक्ति की कहानी कि एक व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बेशुमार दौलत थी, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु वो सुखी नहीं था। इसलिए वह सुख चाहता था और सुख की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहता था और कई जगह वो तीर्थ स्थान पे जाता था, कई जगह पर वो गया कि उसको शांति मिले और सुख मिले, लेकिन उसे नहीं मिल पाया। एक बार वो घूमता फिरता एक फकीर की कुटिया पर पहुंचा। जब वह वहाँ पर पहुंचा तो उसको वहाँ पर बड़ी शांति महसूस हुई और उस व्यक्ति वो सुख प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने साथ एक थैली में बहुत सारा धन लेकर गया था, हीरे जवाहरात सोना लेकर गया था। उसने जब उसके पास जब उस कुटिया में जो फकीर था उसके पास गया तो उसने बोला कि यहाँ पर बहुत शांति है, इस शांति को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसने वो सोने से भरी हुई पोटली, वो धन से भरी हुई पोटली उसके कदमों में रख दी। हम लोग यहाँ देखते हैं कि उस धन की पोटली को उठाकर वो व्यक्ति बड़े जोर से वो भाग गया और उसके पीछे पीछे वो धनी व्यक्ति भी भागा। और हम लोग देखते हैं कि उसको बड़ा जो है कि उसको जो है कि उसको ये उसको सुख की चिंता या शांति की उसको चिंता नहीं थी, परंतु वहाँ पर उसको उस धन की चिंता अधिक थी। और वो बड़े क्रोध से वो भर गया और उसने बोला कि देखो कैसा बेईमान और ढोंगी फकीर है। जब फकीर दौड़ता दौड़ता आगे दौड़ने लगा तो उसकी थैली को छोड़ के वो झाड़ी में छुपा। हम लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति ने उस थैली को उठाया और उसने कहा कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझे जो है कि ये वापस मिल गई है। लेकिन हम लोग यह जानते हैं कि उस फकीर ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाह रहा था, मुझे तो मेरी कुटिया का सुख और शांति ही पर्याप्त है।
इस धन को लेकर मैं अपने जीवन का सुख खोना नहीं चाहता है। जीवन का धन त्याग परित्याग करना आसान बात नहीं है, जो सबसे संभव नहीं है। मनुष्य जो धनी है वो धन दौलत की लालसा उसे संतुष्ट नहीं होने देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु में अपना ध्यान लगाएं। इसलिए यहाँ पर लिखा, इसलिए जो है कि मत्ती 6 उसका 19 से 21 में भी कहा है कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ पर कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेन लगाते हैं, वरन अपने लिए स्वर्ग में वो धन इकट्ठा करो जिसमें ना तो कभी कोई चोर सेन लगाता है ना उसमें कोई काई लगती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु से कहा कि फिर तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है, हमें उसे दिखा कर दिखा कि हम तुझ पर विश्वास करें, तू वो कौन सा काम दिखाता है। जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया था, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी। वचन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कि 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाया था, फिर भी वे प्रभु यीशु द्वारा दिए गए चमत्कारी भोजन को खाने के बाद भी वे यीशु से बड़ा चिन्ह मांग रहे थे। जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के समय में स्वर्ग से मन्ना के रूप में इसराइलियों को दिया था, ठीक वैसे ही चिन्ह वे प्रभु यीशु से भी चाहते थे। यहाँ पर मनुष्य की उस कठोरता को देखते हैं जहाँ पर लोगों ने प्रभु यीशु द्वारा 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाने के आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, वरन वे तो उसे और भी किसी चिन्ह की आशा करते थे। क्योंकि यहूदी लोगों का यह मानना था कि जब मसीहा आएगा तो वह भी हमें स्वर्ग से रोटी भेजेगा, जो मसीहा का एक चिन्ह होगा। जबकि मन्ना जंगल में इसराइलियों को भोजन के रूप में दिया गया था, वह तो दिन के अंत तक खराब हो जाता था। जबकि यीशु ने लोगों को यह बताया कि जो मन्ना भोजन परमेश्वर ने मूसा के समय में लोगों को दिया था वह स्वर्ग से आई हुई सच्ची रोटी नहीं थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, अर्थात अनंत जीवन, वह प्रभु यीशु है। क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? तो हम लोग देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु से फिर कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा सामरी स्त्री शुरू के जीवन के जल को, जब जल के अर्थ को समझने में असमर्थ थी, वैसे ही वह लोग भी प्रभु यीशु के सच्चे अभिप्राय को समझने में असमर्थ थे। क्योंकि प्रभु यीशु जीवन की वह रोटी है जो कभी नष्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्योंकि प्रभु यीशु की जीवनदायी रोटी उसके अनुयायियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को ये प्रार्थना करना सिखाया ताकि हमें प्रतिदिन की रोटी हर दिन दिया कर, जिसे हम रोज़ सुबह शाम ये प्रार्थना करते भी हैं। यदि देखा जाए तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए परमेश्वर भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने छठे अध्याय के 26-27 पद में हमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मत्ती 6 उसका 26-27 में हम लोग देख सकते हैं। अतः हमारे प्रतिदिन की रोटी पर भोजन करने का अर्थ है कि प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना और मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना। ये चीज़ें हमें प्रभु यीशु के आत्मिक जीवनदायक रोटी के लिए हमें तैयार करती हैं। कि आज मैं और आप प्रभु यीशु की जीवनदायक रोटी लेने के लिए तैयार हैं, हम विचार करें। और आगे हम प्रभु यीशु 35वें पद में लोगों को कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हमें यहाँ पर समझना होगा कि पानी और रोटी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसके बिना
हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अतः प्रभु यीशु जीवन की रोटी है और वही जीवन का जल भी है। जैसे रोटी खाने से और जल पीने से हमें संतुष्टि और ताकत मिलती है, वैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करने से व उसे अपने जीवन में ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। आज का 35वां पद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो हमें जीवन में कितना महत्व, जो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। क्योंकि यदि देखा जाए तो परमेश्वर ने इसराइलियों को आसमान से मन्ना दिया और उसी तरह स्वर्ग में हमारे प्रभु यीशु को परमेश्वर ने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि वह क्रूस पर हमारी खातिर मारा गया ताकि हम पाप में ना मरें। क्योंकि प्रभु यीशु वह जीवन की रोटी है जिसके द्वारा से हम अपना आत्मिक विकास करने पाते हैं। क्योंकि मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, जब वह अपने प्रतिदिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर भरोसा करता था, तो हम भी ऐसे ही, हमें भी प्रभु यीशु पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीते हैं, तो हम अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा दी गई जीवन की रोटी को खाते हैं। क्योंकि बाइबल भी हमसे ये वादा करती है कि परमेश्वर उन लोगों को बनाए रखने के लिए वफादार है जो उसके प्रति समर्पित हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? आज आप अपने आप से सवाल करें, प्रभु यीशु में अपने विश्वास को बनाए रखें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आनंद जीवन प्राप्त कर सकें। खुद आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस प्लातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्रशास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमेन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन।